आज 27 अप्रैल है। हमारे आका और मौला तीनों मुर्शिद हजरत अबू हनीफ मोहम्मद बरकत अली कुस्सी और लतीफ का यौम विलादत का स्वागत सिलसिला आलिया के लिए खैर बरकत का मुझे माशाल्लाह। इसी हवाले से आपके मकालात हिकमत पढ़ने और सुनने की सहारत हासिल करते हैं। इन मकालात हिकमत की तरतीब और तजीब हमारे पीर और मुर्शिद की साहबजादी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जिनके मुताबिक सरकार ने फरमाया, ये मेरी महबूब तरीन सहिदा और साहिदा हकीकी बेटी, इसको अल्लाह ताला ने आदमी शबाब में अपने ख्वाहिशात दीन इस्लाम पे शामिल करने की तौफीक को सामने पहुंची। इस तरह की तौफीक दौरे आका में अपनी नौयत की बेहतर कुर्बानी है, उसका अपने आदमी शुमार को जुड़ाकर दारो एहसान की तरफ लगाना होना कभी नजरअंदाज हो सकता है? हरगिज नहीं। जिन तत्वों से ये चलकर आई मैं इसका कदरदार, मैं समर की वसीयत करता हूं कि मेरी इस महबूब तरीन सहिदा और साहिदा बेटी की कब्र मेरे पहलू में हो। या आलम जलाले वाले इकराम, तेरा ये बंदा अबू हनीफ मोहम्मद बरकत अली हो गया, फिर बाद में निकाही बख्श को जन्नत बीवी जर्मेश्वर बरा हजरत बाबा दंदू शाह है उनका है रौनक अफरोज नगर दरिया सतुल की और रात में से है, और शाह विलाय हकीम अमीर और हसन सहारनपुरी मुर्शिद और अजीज का पुरी और अनाब है। अल्लाह मतलू जिंदगी मंजिल और नर्स मुसाफिर है, और कोई मुसाफिर बूढ़ा हो या जवान कभी रात में डेरे नहीं जमाता जब तक सफर खत्म नहीं होता, बराबर चलता रहता है। इस राह में चलना है तो हयात व ममात के तमाम तफासिर अल्लाह ही के हवाले करके चल, मौत व हयात से बेपरवाह होकर अल्लाह ही के जिक्र व फिक्र में महर रहा कर, यही तेरी जिंदगी की मंजिल और इसी पे तेरा दारोमदार। महबीयत एक गैर फरामोश जिक्र है, महबीयत जब कारी हो जाती है मकसूद व मतलूब के सिवा किसी और तरफ कोई इंतफात नहीं रहता, मुतलिक नहीं रहता, तेरा ख्याल हर ख्याल को भुला देता है, इसी तरह तेरी याद हर याद को। महबीयत का जो मकाम मेरे आका मेरे दिलबर मेरे जानी हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर अली अली मुसर और अजीज को हिदायत हुआ, नाजर और मिसाल और काबिल दाद व तहसीन है। आप 12 साल करियर में कुल्लर की शाख को थामे महंगे गंदा रहे, अल्लाह अल्लाह आदम की औलाद के रिकॉर्ड बात कर लिए। इंसान चंद घंटे तक महबीयत की आदत में खड़ा रह सकता है, इतनी तवील मुद्दत हवा फांक कर मोहब्बत की जोर जगाते रहे,
कभी ना डगमगाए। महबूब सामने था फिर क्यों कर घबराते, फरीदी कंदील मत उठी रोशन हुई हर भारत को जग भगाने लगी। मंगाए सिरे नबूवत हम वलायत हैदरी, मंगाए सिरे नबूवत हम वलायत हैदरी, आप ताबे चिश्तियां मखदूम साबर कलियरी। किसी भी तारीख ने आज तक इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं किया कि कोई तेरी मोहब्बत के नशे में चूर होकर बगैर कुछ खाए पिए 12 साल किसी दरख्त की शाख को थामे खड़ा हो। ये आला दर्जे का नमूना उन्हीं को इलाज हुआ, मुबारक मुकर्रमन मुशर्रफन। तेरा हाल ही मेरे दिल का चराग है, सारा साल गुल्लर शरीफ को थामे महर रहना, ना कुछ सुनना और ना कुछ कहना, महबियत की हक नहीं तो क्या थी। तेरी महबियत की मिसाल नहीं मिलती, तेरा नाम अलाउद्दीन है, तेरा नाम ही तेरी शाम का मजर, तेरे जलाल को न देखा जाता है न सुना। देश बदेश भी तेरा कोई हम पाया न मिला है ही नहीं, किसी भी विलायत के बड़ी को ये शर्फ हासिल न हुआ के मस्जिद ने किया सजदा साबर तेरी गली में। अलाउद्दीन मेरे पीर की रग रग में बच रचा हुआ था, जब जोश में आते अलाउद्दीन कहते और कहने पे मजबूर हो जाते मस्जिद गूंज जाती। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर करियरी को सवाल अजीज आज में बड़ी मोहब्बत में फरमाया करते, काबा खानन या पैगंबर मुसफ ई या खुदा, काबा खानन या पैगंबर इस नाए शौक सियारत मुहम्मद दीवार राम। मैं आपको काबा कहूं या पैगंबर, कुरान कहूं या खुदा, मेरे शौक के ख्यालात तो बहुत हैं, वैसे मैं उनकी मोहब्बत का दीवाना हूं। मेरे आका रे इब्तिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाकमाल मर्दों ने मोहब्बत के वो हैरान कुन नमूने पेश किए कि जिनकी कोई भी मिसाल तारीख आलम में नहीं मिलती। चश्मे फलक ने उनकी महबियत का वो आलम देखा के कुछ सी शेष कर रह गए। हजरत मखदूम साबर साहब का रंग बकर की तारीख को दम कर गया माशाल्लाह। खाक में नूर की तजलियां मचलने लगी, जात जात में महव हुई, बशरी सिफात का खात्मा हुआ और आपने इस महबियत के आलम में 12 साल कुल्लर की शाख को थामे करियर की पाक सरजमीन को मरकज़े तजलियात बनाए रखा। और मेरी सरकार के जमालो जलाल की इंतहा ये है कि जब मस्जिद को मस्ती में डूब गए जबान इरादतों कैफियात की तर्जुमान बन गई, इससे बढ़कर जब को मस्ती का और क्या आलम हो सकता है। क्या फरमाते हैं, इन रोज शाहे शाह मेहमान शुदस मारा, इन रोज शाहे शाह मेहमान शुदस मारा, जिबरीन बाबनाए दरबार शुदस मारा।
के बादशाहों के बादशाह मेरे आका मौला हजूर अक्दस व अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मेरे चौपड़े को शक्ल मेजबानी बख्शा हुआ है। मेरे घर तशरीफ लाए हैं और इस मेहमाने की शान की तशरीफ आवरी कोई मामूली बात नहीं। इन आयात की इंतहा और कमालात की मेराज है। आज मुझे मकसूद कुल हासिल है बादशाहों के बादशाह मेरे मेहमान बने हुए हैं और आप में से आगे ना कोई मंजिल है ना मकाम ना ख्वाहिश ना जस्तजू। फरमाते हैं कि आज मेरे झोंपड़े की मेरे घर की ये शान है कि जिब्रील अमीन मलाइका मुकर्रमीन की मैयत में इस चौखट की दरबानी के फराइज अदा कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह और ये अताव बख्शिश और कमालो जलाल की इंतहा है। कमाल का मतलब करामत नहीं, करामत से हर कहर महर को नवाजा जा सकता है लेकिन कमाल हर किसी को मकसूम नहीं। कमाल ये है कि मकसूदे कुल हाथ आ जाए। बुलंद तरीन अता और आला तरीन इनायत ये है कि हजूर अक्दस व अकमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर को अपनी मेहमानी से मुशर्रफ फरमाए। यही कमाल का मकसूद और यही इंतहा है जो मेरी सरकार हजरत सावर साहब को अता हुआ। ऐ ओ यत्ताए दुआ तेरी निस्बत हम खाक नशीनों के बड़े ही काम आई और हर किसी के काम आई। देखने में तो कुछ भी नहीं तेरे बनाए हुए बहुत कुछ है। तेरी निस्बत के बगैर कोई किसी को पूछता तक नहीं कौन मियां कहां से हो। ना मेरी जात ना सिफात तेरे नाम ही की बस्ती बसाई हुई है और इस नाम ही की पीर बजाई हुई है। तरीकत में मुनाफ़त नहीं होती। तरीकत में मगर और एक मन का ही कोई किसी का कहलाता है। तारीख शाहद है बंदा किसी मकबूल बंदे से मिलकर ही वासिल बिल्ला होता है वरन गर्दानी से नहीं। शहाद और मशहूर दामन होते हैं माशाल्लाह। दिल का बदलना अल्लाह ही के कब्जा कुदरत में होता है। जब दिल को बदलने का इरादा फरमाता है किसी दिल से वासिल फरमा कर बदल देता है। दिलों के उस्ताद दिल होते हैं। दिल ही दिलों को पढ़ाया करते हैं। ये शाही सिक्के दिल ही के टकसाल में ठाले जाते हैं। ये इलम बाकी है कसबी नहीं। अल्लाह की तलाश में निकला था अलाउद्दीन को पाया दीवाना था मस्ताना बना गहरे उलूम के जखाए खुले अदाए वराए उससे मिले कुदरती निजाम ने आगोश हुआ की तेरी मका की चादर सदा तरी रही। पासबानी वर्गों की अमानत पासबानी वर्गों की अमानत तेरी पासबानी बड़े ही काम की चीज है। तवज्जो किसी और तरफ पागे ना हुई और तेरी तवज्जो ही की बदौलत करकर ये बरकत हुई। कायनात की कोई विषय किसी भी अंदाज में तुझे खेरा न कर सकी। इनायत नहीं तो क्या है करम नहीं तो क्या है।
मेरे मखदूमुल मरा ने इस दुनिया में क्या देखा? कुछ भी नहीं, गुजर खाकर जिंदगी गुजार दी। मुझे दुनिया की एक एक चीज दिखाई, जी भरकर दिखाई, अजीबो गरीब मुशाहदात हुए, फिर असूल मुरतब करके बकार आते हिम्मत से सरफराजी बख्शी। हिम्मत नहीं तो क्या है ये जिंदगी? इंशाअल्लाह ताला इस असूल के साथ बंद रहेगी। किताबुल अमल में सुनना, अल मारूफ तरतीब शरीफ, मकशूफात मनाफे एहसान, अस्मा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकाना के एक पर तेरी नायात बे पाया है। एजाज भी कहे तो बेजा नहीं। ये जिंदगी इंशाअल्लाह ताला इस असूल के साथ बंद रहेगी। किताबुल अमल में सुनना, अल मारूफ तरतीब शरीफ, मकशूफात मनाफे एहसान, अस्मा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकाना के एक पर तेरी नायात बे पाया है। एजाज भी कहे तो बेजा नहीं। है मेरे ओ तकर शी माशूक, तेरे मास की आंख मेरी आंखों का अंजन है। कदीम तरीन नसब का एक जुज मच है और हम मच ही सुनता रहे हैं। ये दुनिया पूरे ही का ढेर है और हम माशाल्लाह हर शहर मत में जलाकर रात बुला देते हैं और ये रात हमारे उसर का निखार। तरीकत में मलंग इस रात को खाके शिवा कहते हैं। तेरे मां शरीफ की रात जिन के लिए शिवा का मुझे माशाल्लाह या हयो या कयूम अलहमदुलिल्लाह हयो कयूम वल्लाहु खैर राज की वल्लाहु जुल फजल रजीम।